Subscribe to my channel and hit the bell icon for all the updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग हट। आज मैं क्लास टू के एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक का जो एक पोयम है फर्स्ट डे एट स्कूल, उसको पढ़ाने जा रही हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि ये पोयम मैं बच्चों को इतने अच्छे से समझाऊं कि वो इसे समझ भी पाएं और अच्छी तरह से याद भी कर पाएं। बट पोयम शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ बच्चों, एक छोटी सी एक्टिविटी हम करें। वो एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी इस पोयम को अच्छी तरह समझने में और इस पोयम से अपने आप को लिंक करने में। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। वो एक्टिविटी है माइंडफुलनेस, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, आपको सुखासन की मुद्रा में बैठना है, अपनी आंखों को बंद करना है और 3 बार गहरी सांस लेनी है। टेक 3 डीप ब्रेथ। उसके बाद बच्चों, आपको याद करना है मेमोरी लेन में पीछे जाके वो दिन जब आप पहली बार स्कूल गए थे, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ था, आपकी क्या फीलिंग थी, क्या इमोशंस थे आपके। आप बहुत खुश थे, हैप्पी थे, आप बहुत सैड थे, दुखी थे, आप बहुत एंग्री थे, गुस्सा थे, आप बहुत सरप्राइज थे, बहुत आश्चर्यचकित थे, या और भी आपकी क्या फीलिंग थी, कैसा आपको फील हो रहा था जब आप रास्ते से, अपने घर के रास्ते से स्कूल तक जा रहे थे। और जब आप स्कूल पहुंचे और अपनी क्लास में गए, तो आपको क्लास में क्या अच्छा लगा, जो आपकी दीवारों पे पोस्टर्स, चार्ट्स या पेंटिंग्स लगी थी, या आपका ब्लैक बोर्ड, या आपकी क्लास के टेबल चेयर कुर्सियां, या बच्चे या टीचर, कौन आपको बहुत अच्छा लगा, या कौन ऐसा बच्चा था जिसके साथ पहली बार आप बैठे और आपको बहुत अच्छा लगा। तो यही सब बातें आपको याद करनी है, आपको ये सारे पल दोबारा से याद करने हैं। और बच्चों, जब आपको ये सब याद आ जाए, तो दोबारा से आपको अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले जाना है और 3 बार फिर से गहरी सांस लेनी है, आपको डीप ब्रेथ लेनी है 3 बार। और उसके बाद बच्चों, आपको धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। तो आई होप बच्चों, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आई होंगी अपनी पुरानी मेमोरीज से, है ना। एक फ्लैशबैक सा आपके सामने आया होगा कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में आपको कैसा लगा था। और बच्चों, वही यादें अब आपको इस पोयम को और अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेंगी। तो बच्चों, कोई भी पोयम होती है, सबसे पहले बहुत जरूरी होता है कि कैसे हम उसकी लय बिठाएं, कैसे उसको हम रिसाइट करें। तो सबसे पहले मैं ये पूरी पोयम एक बार आपके लिए रिसाइट करूंगी, फिर हम धीरे धीरे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इस पोयम का मीनिंग समझेंगे। तो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट डे एट स्कूल, आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज देयर्स, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक माई मॉम और ग्रैंड, आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। सो बच्चों, ये पोयम है। तो अब हम लोग बच्चों इस पोयम को लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा पढ़ेंगे और इसको मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले, आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग्स विल बी एज गुड एज देयर। आई वंडर, वंडर मतलब, यहाँ पे वंडर का मतलब है सोचना। वैसे वंडर का मतलब बच्चों आश्चर्य भी होता है, बट हम कहाँ पे उसे यूज कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मतलब उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी होता है। तो यहाँ पे वंडर का मतलब है सोचना। तो ये बच्चा जो फर्स्ट डे अपने स्कूल जा रहा है, ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या उसकी फीलिंग है, वो क्या सोचता हुआ रास्ते में जा रहा है। तो वो बच्चा सोच रहा है, आई वंडर, मैं सोचता हूँ, If my drawing, क्या मेरी drawing will be as good as theirs? यहाँ पे theirs का मतलब है क्लास के अन्य बच्चे, मतलब क्लास में जो बाकी बच्चे हैं उनकी तरह क्या मेरी drawing भी इतनी अच्छी होगी जितनी उनकी अच्छी है? I wonder if they will like me, और just be full of stairs. I wonder, मैं सोचता हूँ,
इफ दे विल, बच्चों दे विल की ये शॉर्ट फॉर्म है, दे विल को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे भी दे विल का मतलब है क्लास के अन्य बच्चे। तो वो बोल रहा है मैं सोचता हूँ क्या जो क्लास के बाकी बच्चे हैं वो मुझे पसंद करेंगे, लाइक मी, और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर, या सब लोग मुझे घूरेंगे। स्टेयर्स मतलब घूरना। तो ये ख्याल उस बच्चे के मन में आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। आई वंडर, मैं सोचता हूँ क्या मेरी टीचर, मेरी मॉम मतलब मदर, माँ, और यहाँ पे ग्रैंड का शॉर्ट फॉर्म है ग्रैंड मदर का। तो बच्चों ग्रैंड मदर यहाँ पे दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है ना। कई घरों में नानी भी आपके साथ रहती है ना, तो ग्रैंड मदर आपकी नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है। तो वो ये सोच रहा है क्या मेरी टीचर जो मुझे पढ़ाएगी वो मेरी मम्मी की तरह या मेरी दादी की तरह दिखेगी। तो बच्चों आपको पता है जो आपकी टीचर होती है वो आपकी सेकंड मदर और सेकंड पेरेंट भी होती है ना। स्कूल में आपका सारा ध्यान वही रखते हैं, आपको पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी वैल्यूज भी सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो वो आपके सेकंड मदर की तरह होती है। तो बच्चा ये सोच रहा है क्या मेरी टीचर मेरी मम्मी या मेरी दादी नानी की तरह होगी, वैसी दिखेगी। आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। मैं सोचता हूँ क्या जो मेरा पपी है, पपी क्या होता है बच्चा, बेबी डॉग, कुत्ते का छोटा बच्चा, उसको हम पपी कहते हैं, क्या वो सोच रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन उसके साथ ही रहता था, खेलता था, हम लोग साथ में पूरा दिन बहुत मस्ती करते थे, क्या वो भी ये सोच रहा होगा कि मैं आज कहाँ गया हूँ। तो बच्चों ये पोएम थी, इसमें बच्चे के सोच में जो आ रहा है, जो वो स्कूल जा रहा है पहली बार, तो ये सब बातें उसके सोच में आ रही है, वो सोच रहा है कि ये सब मेरे साथ होगा। जैसे कि आपको भी पता है जब आप फर्स्ट डे स्कूल गए होंगे आपने भी बहुत सारी चीजें सोची होंगी, तो ऐसे ही इस बच्चे ने भी ये सब सोचा। तो बच्चों कुछ न्यू वर्ड्स हैं इसमें, एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं। वंडर मतलब मैंने आपको बताया सोचना, ड्राइंग मतलब जो आप चित्रकारी या चित्र बनाते हैं, स्टेयर्स मतलब घूरना, ग्रैंड मतलब ग्रैंड मदर, वो आपकी नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, पपी मतलब कुत्ते का छोटा सा बच्चा। तो बच्चों आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू आप पूरी पोएम को सुनने के लिए, और यहाँ तक अगर आप आए हैं और आपको पोएम पसंद आई है तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।